कैसे हैं आप सब। देखो दिवाली का टाइम है और मिठाई ना हो तो कैसे चलेगा। भगवान हो या मेहमान, मिठाई का भोग तो सबके लिए जरूरी है। मैं तो मार्केट से मिठाइयाँ लेना पसंद ही नहीं करती, तो चलो आज की वीडियो में कुछ आसान और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाते हैं। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में सूजी लिया है जिसको मैं लो मीडियम फ्लेम पे भून रही हूँ। इसको मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भूना है। जैसे ये भुन जाता है इसको प्लेट में या बड़े परात में निकाल दीजिए ताकि ये ठंडा हो जाए। अब मैंने भुनी हुई सूजी को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से पाउडर बना लिया है, क्योंकि मोटी सूजी से लड्डू अच्छे नहीं बनते हैं। अब इसको मैंने एक परात में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसमें चीनी मैंने जो है वो छान कर डाली है, आप ऐसे ही भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जो जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैंने एक पैन में घी गरम कर लिया है। जैसे घी गरम हो जाता है इसमें मैं काजू डाल देती हूँ। काजू डालकर एक मिनट के लिए फ्राई करें, फिर उसमें मूंगफली डाल दीजिए। जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर हो जाता है इसमें मैंने किशमिश डाल दिया है। जब तक किशमिश फूल नहीं जाती तब तक हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे किशमिश हमारी अच्छे से फूल गई है। अब इसको मैंने सूजी के मिक्सचर में डाल दिया है गर्मा गर्म, और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। पहले मैंने यहाँ पे चम्मच से मिक्स किया, फिर मैंने हाथ से मिक्स कर दिया था। जैसे ही मिक्स हो जाता है इसमें धीरे धीरे दूध डालकर अच्छे से इसको मिक्स कीजिए। ध्यान रखिए दूध एक साथ नहीं डलेगा, धीरे धीरे करके डालें, और दूध जो है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा। यहाँ पर मैंने लगभग आधा कप दूध यूज़ करा है। अब आप इससे लड्डू का शेप बनाकर देखिए। अगर आपका लड्डू सही से बन रहा है तब तो बहुत ही बढ़िया, और अगर आपका लड्डू टूट रहा है तो उसमें थोड़ा सा दूध आप और मिला सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि मिक्सचर ज़्यादा गीला ना हो जाए। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में आराम से 15-20 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आप दिवाली में क्या क्या बना रहे हैं।